राम वचन पत्र क्यों लिया? जब तुम्हारी हिम्मत नहीं थी किसानों का कर्ज चुकाने की तो वचन पत्र क्यों लिया? प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दमोह में भी आघोषित विद्युत कटौती के विरोध में आज चक्का जाम में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपाइयों ने जबलपुर नागका विद्युत केंद्र के सामने सामूहिक रूप से चक्का जाम किया, साथ ही धरना प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जबरन आघोषित कटौती करने का आरोप लगाया है। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार विद्युत प्रदान करने में असक्षम है और जनता को परेशान करने के लिए विद्युत कटौती करवा रही है। अपने आप सरकार जाने वाली है, परंतु हमारी मानना है कि चूंकि हम प्रतिपक्ष में हैं तो हमें अपनी भूमिका निर्वाह करना चाहिए। कांग्रेस ने नाक की हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, परंतु हमें तो अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, इसलिए हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। उन्होंने दिग्विजय सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस से फिर उस पुराने दिन को याद दिला दिया और प्रदेश की जनता को इस भीषण गर्मी में हलाहल किए हुए है। करीब एक घंटे चले इस प्रदर्शन के बाद भाजपा ने एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा। सागर एक्सप्रेस न्यूज के लिए नरेंद्र आठिया की रिपोर्ट। न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।